वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.2 कर रहे थे। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन ने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया। अब 12, 13, 14 बचा हुआ है, पहले उनको करते हैं। 16 वाला तो ईजी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बुक में। आपके पास एल एच एस दे रखा है, 1x² क्वेश्चन नंबर 12 का मैं एल एच एस लिख रहा हूं, 1x² x 1 ये आपका एल एच एस है। देखिए सर, सीबीएसई की तरह आरबीएसई होगा क्या? क्या होगा आरबीएसई में? सिलेबस रिड्यूस, अभी पता नहीं कुछ भी है ना, अभी पढ़ते रहो। नहीं अभी पढ़ते रहो, सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा ये बात की बातें हैं। देखिए आप जैसे आप डिफेंस की एग्जाम लोगे, लोग जेई का एग्जाम लोगे, वहां पर सिलेबस पूरा आएगा ना, कम नहीं आएगा वहां पे, तो आपको पढ़ना तो सारे एक बार बाद में देखेंगे कम क्या होगा, कम नहीं होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अपने को लाना क्या है, x² - 1 की पावर 1 - x³ आ जाए, ये आ रहा है। देखिए इसको अपन देखिए जीरो बनाने की कोशिश करें तो देखिए जीरो कोई बन नहीं रहा है, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, जीरो नहीं बन रहा है। तो अपना जुगाड़ काम करेगा, क्या करेंगे, फर्स्ट रो में तीनों रो ऐड कर देंगे। फर्स्ट रो में क्या कर देंगे अपन, तीनों रो ऐड कर देंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 + R2 + R3 क्या आ जाएगा, 1 + इसको ऐड करेंगे x + x² 1 + x + x² 1 + x + x² यहाँ पे आपका x² 1 x x² 1 क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो में अपन ने तीनों रो ऐड करने से देखिए सब में सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 + x + x² अब अपन कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से, इससे कॉमन लेने में क्या आएगा, 1 + x + x² यहाँ क्या बचेगा, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 x² 1 x x² 1 अब क्या करेंगे, 2 1 को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ऐसे अपन ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे अपन, R2 - R1 R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, नहीं C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 - C1 इसमें से ये माइनस करेंगे, और C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 - C1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + x + x² आपका बाहर है, फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, 1 x² और आपके पास 1 x² और ये x, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 - x² आएगा और ये x² - x आएगा, 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा, x - x² और 1 में से 1 माइनस क्या हो जाएगा, x आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आप इस रो के सापेक्ष, इस रो के करेस्पोंडिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 1 + x + x² और यहाँ पे ये आपका क्या है, 1, ये गया इसको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 - x² और साथ में क्या है, 1 - x, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x - x² और ये क्या है, x² - x और बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 + x + x² यहाँ से क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x आगे बोलेगा क्या आएगा, -x² और प्लस का क्या आएगा, x³ अब देखिए यहाँ पे या तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर फॉर्मूला बना सकते हो आप, इसमें माइनस कॉमन लेके ये प्लस हो जाएगा और x - x² का होल स्क्वायर लेके, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन क्या लेते हो अपन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, x
को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आएगा। हाँ x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आएगा, लेकिन बाद इसका सारे माइनस का माइनस x क्यूब, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर, लेकिन बाहर क्या है माइनस प्लस x स्क्वायर। आगे माइनस x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x की पावर 4 आएगा, लेकिन बाहर क्या प्लस का आएगा x की पावर 2 आएगा। x स्क्वायर को x से लिया प्लस का x की पावर 3, लेकिन बाहर क्या माइनस x। अब कुछ कटेगा, क्या कटेगा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर। देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, अगर अपन बात करें x क्यूब से अपना x क्यूब कट जाएगा, x स्क्वायर से अपना x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस x माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। ठीक है, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। c1 प्लस c2 हाँ हो सकता है ना, कर सकते हैं, c1 में तीनों को लगा कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है यहाँ पे ना, 1 को 1 से क्या आएगा 1 आएगा, माइनस x आएगा माइनस x क्यूब आएगा प्लस x की पावर 4 आएगा। अभी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x आएगा माइनस x स्क्वायर आएगा, आगे माइनस x की पावर 4 आएगा प्लस x की पावर 5 आएगा। अभी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस का x स्क्वायर आएगा माइनस x क्यूब आएगा माइनस x की पावर 5 आएगा प्लस x की पावर 6 आएगा। जो कट रहा काट देंगे और जो बच गया वो आ जाएगा। देखिए क्या क्या कटेगा, मैं कहाँ पे लिखू, यहाँ लिखता हूँ मेरा। देखिए क्या क्या बचेगा, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखिए आपके पास बन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके उसमें भी तो होल स्क्वायर में आ रहा है। अब माइनस का एक्स और प्लस का एक्स खत्म हो गया, यानी कि ये वाला ऐसे कैंसिल हो गया। अपन एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर एक्स तो मैच हो गया है, अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, ये x स्क्वायर x स्क्वायर भी हो गया। अब x क्यूब की बात करते हैं, ये माइनस है x क्यूब है, ये माइनस है x क्यूब है, तो कितना हो गया माइनस 2x की पावर 3, यानी सेम बोल रहा हूं। अब x की पावर 4 की बात करो, 4 वाला कैंसिल हो गया, 5 वाला भी कैंसिल हो गया, क्या बचा x की पावर 6। और यहां पे एक फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस x की पावर 3 का होल स्क्वायर, दिस इज आर एच एस। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, बात समझ में आ गई है, हेलो15 वाला मैंने करवा दिया था, 16 वाला आप कर लेंगे। अब दो क्वेश्चन बचते हैं, दो क्वेश्चन से पहले एग्जांपल देखना पड़ेगा, तब वो चीज़ और भी क्लियर होगी। एग्जांपल्स में आप आएंगे, सभी अपनी अपनी बुक में देखेंगे एग्जांपल्स, मैं बोलता जा रहा हूँ, सब अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं एग्जाम्पल बोलता जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर आप 7 देखेंगे सबसे पहले, 7 नंबर एग्जाम्पल में क्या है आपका, देख सॉरी 6 वाला एग्जांपल देखिएगा, 6 वाला एग्जांपल देखिए। हाँ यहाँ पे सिंपल है कि इसको तो फर्स्ट आप फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व कीजिए, बात समझ में आ गई क्या। अपने हिसाब से आप कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि फर्स्ट ऑपरेशन यूज कीजिएगा। तो आप इसको फर्स्ट ऑपरेशन से बोल रहा है कि आप इंटरचेंज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, पहले तो सिंपल सॉल्व करेंगे, पहले तो क्या करेंगे इसको सिंपल सॉल्व करेंगे फिर इंटरचेंज सॉल्व कर लेंगे, यस और नो। अगला एग्जांपल नंबर 7 है, 7 नंबर एग्जांपल क्या बताया था मैंने, किसी दो रो अगर दो पंक्तियों को आप इंटरचेंज करते हो तो किसका फर्क आता है, बाहर किसका चला जाता है नेगेटिव का साइन आता है। दो रो या फिर दो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो क्या हो जाता है माइनस का फर्क। एक बार तो आप ऐसे की ऐसी वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या करेंगे आप दो रो को या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करते हुए क्या वैल्यू आएगी नेगेटिव की वैल्यू आएगी। अगला एग्जांपल एग्जांपल नंबर आपका 8, आपको क्या करना है इसमें
देखिए आपको पता दो रो सेम है, दो रो सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, डायरेक्ट जीरो कट रो। एग्जाम्पल नंबर 8 में दो रो सेम है तो वैल्यू आएगी जीरो। एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे आप मेरे को ऐसे बताओ कि फर्स्ट रो से कुछ कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट रो से आप 6 कॉमन लोगे, जैसे आप फर्स्ट रो से 6 कॉमन लोगे तो दो रो सेम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, तो दोनों दो रो सेम होते वैल्यू क्या होती है, जीरो। एग्जाम्पल नंबर 10 निकालेंगे आप, 10 वाले में आप क्या करेंगे, इसको देखिए इसको सेपरेट कर रखा है, क्या कर रखा है, सेपरेट। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, कि वो अगर प्लस में है तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो। देखिए एबीसी एक्स वाई जेड दो रो आपकी सेम है, चेक कीजिएगा एबीसी और एक्स वाई जेड दोनों डिटरमिनेंट के अंदर, दोनों सारणी के अंदर अलग सेम आ रही है, बीच वाली वैल्यू चेंज हो रही है। एक बार तो क्या लिख दिया ए बी सी, एक बार क्या लिख दिया 2x 2y 2z। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर शायद 7 होगा या 6 होगा, मैंने बताई थी आपको सेपरेट करने वाला, यस और नो में एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 10 समझ में आ रहा है क्या आपके, मैं जो बोल रहा हूँ बातें आ रहा है, तो इसमें आप फर्स्ट रो में फर्स्ट डिटरमिनेंट के अंदर तो दो रो सेम हो गई है तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई है। सेकंड डिटरमिनेंट के अंदर दो कॉमन आ रहा है, दो जैसे ही बांट होगी कॉमन तो उसमें भी दो रो सेम आ जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एग्जाम्पल नंबर आप 11 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 में देखो आप आर टू में ऑपरेशन लगाया आर टू माइनस टू आर वन और आर थ्री में ऑपरेशन लगाया आर थ्री माइनस थ्री आर वन, ऐसा क्यों लगाया, आपको पता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो दो एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। देखो आप चेक करो आप नीचे दो जीरो बन गए हैं, कौन सा वाला, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ये बोलो ना जैसे ही दो जीरो बनेंगे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें और जीरो बना रखा है, अगर आप जीरो नहीं भी बनाओगे तो भी काम हो जाएगा, बात समझ आ रही है। देखिए आपने 11 एग्जाम्पल में दो ऑपरेशन एक साथ लगा दिया, अगर वो लगाने के बाद दो जीरो बन रहे हैं तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर भी देते तो भी आपका गलत तो नहीं होगा, पीछे नहीं देखी जाती और वो सही है, सिस्टमेटिकली सही है, मैथमेटिकली क्या है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे आप, 12 में देखिए आर वन में क्या ऐड कर रखा है, आर वन प्लस आर टू ऐड कर रखा है, तो आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ये सुन लो आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लोगे, 12 वाला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, वैसे आ गया होगा समझ में, आपको दो क्वेश्चन बचे हैं ध्यान रखना है ना, दो क्वेश्चन बचे हैं। प्रूफ करना है बैक एंड फाइनल करनी है, प्रूफ करना है। एक्स प्लस वाई है साइड में आपके है ना, और वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, यहाँ पे आपका एक्स होगा यहाँ पे वाई यहाँ पे वन। देखिए दो तरीके करने के, सर एक बार जिस रो में ऑपरेशन करा, हाँ कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, जिस रो में अपन ने ऑपरेशन लगा दिया आगे अपन रो में उसी रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगली स्टेप में लगाएंगे ना, वो उसी स्टेप में तो कैसे लगाएंगे, एक स्टेप में एक ही रो में दो ऑपरेशन नहीं लगा सकते आप, बात समझ आ रही है संपर्कता, हाँ। अब देखिए यहाँ पे जुगाड़ है कि आप या तो आर वन में तीनों ऐड कर दो, दूसरा जुगाड़ है कि आर वन में आप दोनों ऐड कर दो, बात तो सही रहेगी, ऐसा क्यों, तीनों ऐड करने में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन आएगा, क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन वो कॉमन आ जाएगा, जैसे ही कॉमन आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, वन वन वन, नीचे भी वन वन वन, वैल्यू क्या होगी, जीरो, बिकॉज दो रो अगर सही होगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन एक काम और है, अगर मान लीजिए आपने ये भी कर दिया तो भी काम हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, वो कॉमन आएगा, दो रो सही हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल यही कर दिया, आर टू में ऑपरेशन लगा दिया, या ये भी कर सकते हैं आर वन में ऑपरेशन लगा दो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर टू, ये भी लगा सकते हैं,
नो प्रॉब्लम, कितना हो जाएगा ये 1 + x + y + z, यहां पे क्या आएगा 1 + x + y + z, और यहां पे चलो वो सही लगा तो आप देखिए ना x + y + z, x + y + z यहां पे क्या आएगा x + y + z, और यहां क्या हो जाएगा z, यहां पे x, यहां पे y, ये 1 1 1 क्या कॉमन ले लिया अपन x plus y plus z कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 1 1 z x y 1 1 1 आपको पता है दो सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होती है 0 होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ये आपका क्या है RHS ये बात समझ में आ गई सभी अगला एग्जांपल देखिए कठिन वाला आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है आपको मैंने पहले बता दिया है क्या करेंगे आप R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1 R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1 वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो एक बार यस और नो में कमेंट करो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या यस और नो में कमेंट करेंगे एग्जांपल नंबर 13 कर सकते हो क्या कर सकते अब कितनी बच गई 14 15 16 14 वाला एग्जांपल देखेंगे अपन B plus C A A B हाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ अच्छे एग्जांपल है एग्जाम में ज्यादा आते क्वेश्चन यहाँ से जो आपका 13 14 15 16 जो भी एग्जांपल लास्ट के हैं वो एग्जाम में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है लास्ट वाला एग्जांपल तो काफी बार आया क्वेश्चन इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा आप एग्जाम्पल नंबर 16 को एग्जाम्पल नंबर 14 आपका बी प्लस सी बी सी देखिए क्या कर सकते हैं अपन अगर मान लीजिए आपने किसी रो या किसी कॉलम में आपने ऐड कर दिया तो फायदा क्या होगा अपन इसमें ऐड करते हैं अगर इस रो में ऐड करूं मैं अगर इस पूरे पर में 2b + 2c आएगा इधर ऐड करूं मैं 2c + 2a आएगा इधर ऐड करूं मैं 2a + 2b आएगा तू तो कॉमन आएगा लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ये आपका bc हो जाएगा या आपका c हो जाएगा ये क्या है सॉल्विंग का प्रॉब्लम अब आप कॉलम में ऐड करके चेक करते हो इधर ऐड करता हूं मैं कितना आएगा a plus b plus 2c ये क्या आएगा a plus 2b plus c नहीं बैठेगा देखिए नहीं अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऑपरेशन लगाने के लिए नहीं बोल रहा है इसी क्वेश्चन में ऑपरेशन लगाने के लिए नहीं बोल रहा है और इसमें आपको पता है ये ऊपर आएगा सी नीचे आएगा किसी क्वेश्चन में आपको ऑपरेशन लगाने के लिए नहीं बोला है तो ध्यान रखें आप मेरे को बताओ किस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे अगर नहीं बोलता ऑपरेशन लगाने के लिए या प्रॉपर्टीज लगाने के लिए नहीं बोलता तो क्या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते नहीं करते आपको दिख ही रहा है इसमें या तो प्रॉपर्टीज लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे ऑपरेशन लगाएंगे ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करोगे आप डायरेक्ट सॉल्व तो मार्क्स कैसे मिलेंगे ठीक है छोटी मोटी वैल्यू वाले क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये ध्यान रखिए आप आपको प्रॉपर्टी यूज या फिर ऑपरेशन यूज करना है अगर नहीं बोला तो भी यूज करना है वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं कि आप इसकी वैल्यू निकाल लिया आपको ऐसे कुछ नहीं पूछेगा तो यहाँ पे अगर बात करें अपन एक काम कर सकते हैं अगर इस रो में इन दोनों रो को मैं ऐड करके माइनस से जीरो बन जाएगा बनेगा नहीं बनेगा तो इसको सॉल्यूशन हो जाएगा अपन आर वन में ऑपरेशन लगा देते हैं आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये तो जीरो हो जाएगा अब इन दोनों को ऐड करो आप ए माइनस ए प्लस टू सी आप जैसे जोड़ोगे तो ए से तो कट जाएगा क्या बचेगा माइनस का टू सी बचेगा यहाँ पे माइनस का टू भी बचेगा देखिए ये थोड़ा आसान हो गया अब यहाँ पे बी सी प्लस ए बी और यहाँ पे सी सी ए प्लस बी आ गया अब ऊपर से अगर माइनस का टू कोवर ले सकते हैं कर सकते हैं माइनस का टू कोवर ले सकते हैं तो माइनस टू बाहर जाएगा जीरो
सी बी बी सी प्लस ए, यहाँ पे आपका बी सी और ये आपका सी ए प्लस बी। अब क्या कर सकते हैं हम देखिए, अब और भी अपन जीरो बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? ध्यान रखिए जो जीरो बन गया उसको गाइड नहीं करेंगे आप, जो जीरो बन गया उसको गाइड नहीं करेंगे कि आप जीरो बना रहे हो दूसरे का जीरो गाइड कर रहे हो। देखिए एक काम है, अरे मान लीजिए आपने इसमें से ये मान लो, इसमें से ये माइनस प्लस नुकसान आ, कैसे बी में से बी माइनस में जीरो आ जाएगा, सही बात है, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का ही आएगा, कुछ काम आसान नहीं हुआ, ये तो आसान हो गया, लेकिन इसमें से ये माइनस करके आपके माइनस का भी, यानी कि आप जीरो ला रहे हो जीरो गायब कर रहे हो, ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका। एक काम कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, सी से सी करके एक छोटी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से बी में बी गया जीरो, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, इसको इससे माइनस करेंगे तो सी में से जीरो सी बचेगा, सी माइनस से जीरो हो जाएगा, ये आपका ए बच जाएगा, यानी कि आप आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे, आर थ्री में ऑपरेशन लगाएंगे और वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे ही वैल्यू कम हो जाएगी अपन क्या कर लेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले फिर अपन आगे बात करते हैं। अच्छा बुक में सॉल्व भी कर रखा अपन, ऐसे नहीं करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। बुक वाले ने बस एक ही प्रॉपर्टी लगा रखी, आप ज्यादा नहीं लगा सकते, और जितना कम होगा जितने जीरो बनेंगे अच्छी बात होगी, अगर दो जीरो बन जाते हैं एक रो या एक कॉलम में तो फिर अपन नहीं करते। ये हम देख हमसे कत्ता कुछ चपट गया मेरे पास, बेस्ट ही होगा आपके लिए, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, आर2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, आर2 माइनस आर1 एंड आर3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, आर3 माइनस आर1 अब जीरो नहीं बचेगा, अब सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट रो के कैस्केडिंग सोल्व करेंगे इसको, तो पहला एलिमेंट जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी हो तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको पता है इसके सामने पॉजिटिव आएगा, इसके सामने क्या आता है नेगेटिव, पता है ए वन वन नंबर का पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, किस किस को पता है? यहाँ पे माइनस का सी, ये गया बी को ए से मल्टीप्लाई को ए बी माइनस का जीरो, अब लास्ट वाला क्या आएगा पॉजिटिव आएगा प्लस का, ये गया कितना हो जाएगा जीरो माइनस का ए सी, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा माइनस का टू, माइनस का लीजिए कितना आपके ए बी सी और माइनस का ए बी सी, अब आपको पता चल गया होगा माइनस ए बी सी माइनस का टू बी सी माइनस माइनस प्लस टू टू फोर कितना आएगा फोर ए बी सी। अब आपकी बुक में सोल्व कर रखा है और मैंने सोल्व किया कौन सा अच्छा लगा, देखिए परफेक्ट आंसर है, आप देखो कैलकुलेशन देखो उसकी कितनी सुविधा कर रखी है। हाँ जी, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 15 उसकी बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर आप 15 देखोगे, तो क्या आपको एक्स वाई जेड डिफरेंट है, डेल की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है, तो आपको प्रूफ करना है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पे भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट दिख रही है आपको, आपको डेल इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर थ्री वन प्लस वाई की पावर थ्री वन प्लस जेड की पावर थ्री
और इक्वल जीरो दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। एक काम कर सकते हैं अपन, इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ क्या है वन वन वन, अगले वाई एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई कि जब दो एडिशन होता है उसको आप पार्शियली आप ब्रेक कर सकते हो उसको। अब देखिए ये आपके पास वैल्यू है एक्स वाई जेड, एक्स एक्स स्क्वायर वन, ओके यहाँ पे वाई वाई स्क्वायर वन, जेड जेड स्क्वायर वन। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक्स को बना रहा है, इसमें y को बना रहा है, इसमें z को बना रहा है। That means x, y, z, one x, x square, one y, y square, one z, z square। और इक्वल में कितना जीरो। अब इसको इसको कंपेयर करो, आप इसको कंपेयर करेंगे, देखिए कुछ अलग आ रहा है। ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले में बात करता हूँ। इस वाले में आपको पता है कि आप देखो, इसको मैं यहाँ लिखूंगा, इसको यहाँ लिखूंगा, तो माइनस का वन मारा है। आपको पता है दो रो को इंटरचेंज करोगे तो माइनस क्या आ रहा है, यानी कि वन यहाँ पे आ गया, वन वन, और एक्स वाई जेड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं यहाँ कटूंगा, इस वाले को यहाँ लूंगा, फिर माइनस मारा है। कितनी बार माइनस आएगा, दो बार आ रहा है। मैं वो काम में डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप, यस और नो में कमेंट करो। दो बार इंटरचेंज करोगे तो दो बार नेगेटिव बाहर आएगा और दोनों नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ फिर से दोबारा बता रहा हूँ, इस वाले रो को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले रो को यहाँ लिख रहा हूँ, दो रो को इंटरचेंज किया, माइनस का वन बाहर आया। आपको पता है बेटा एक्सिन वॉइस नहीं आएगी ना, एक मिनट वॉइस नहीं आएगी।